उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद सिविल लाइन थाना क्षेत्र में दहेज के खातिर बारात लूटने का मामला सामने आया है। पीड़ित दुल्हन ने सिविल लाइन थाने पहुंचकर दूल्हा और उसके परिवार के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। जहां दुल्हन की तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। बताते चले कि जनपद फरीदाबाद की रहने वाली कविता की शादी सिविल लाइन थाना क्षेत्र के काजीपुरा निवासी अमित के साथ तय हुई थी। लड़के वालों के कहने पर लड़की पक्ष शादी करने के लिए फरीदाबाद से मुरादाबाद आ गए थे। सोमवार रात को बारात चढ़नी थी, लेकिन बारात चढ़ने से पहले ही दूल्हे के परिवार ने लड़के वालों से 2 लाख की डिमांड रख दी और बारात लाने से साफ इनकार कर दिया। जी हां, लड़के वालों की डिमांड से लड़की पक्ष में हड़कंप मच गया और उन्होंने तुरंत ही 100 नंबर पर पुलिस को सूचना दे दी। सूचना मिलते ही 100 नंबर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस लड़की पक्ष को थाना सिविल लाइन ले आई और लड़की पक्ष ने लड़का पक्ष पर दहेज मांगने का आरोप लगाकर पुलिस को तहरीर दे दी है। तहरीर पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने आगे की कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। अभिता जी, क्या घटना हुई है आज आपके साथ? घर पे ऐसे हुआ, क्या बोलते है उसको, उन्होंने कहा हम बारात लेके आ रहे हैं जी, दहेज की, तब उन्होंने दहेज की मांग कर दी। अच्छा। और मेरे माँ पापा गरीब है। अच्छा। मतलब प्राइवेट नौकरी है, वो बारात मतलब वापिस हो गई, एकदम बारात नहीं लाई। गाजीपुरा के लड़के का नाम है अमित सिंह। कहाँ का रहने वाले हैं जहाँ से आपकी शादी हो रही है? गाजीपुरा, इधर आगे। तो कितने रुपए की मांग की गई? कोई रुपए पैसे की मांग की गई दहेज की में लड़के की तरफ से? ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें लड़की पसंद, उसके बाद मुझे क्या पता दहेज की मांग कर दी। कितने रुपए मांगे उन्होंने? 3-4 लाख। तो अब आप कहाँ आई हैं? मैं थाने में हूँ इस समय। तो शिकायत देने आई है क्या? हाँ, कंप्लेंट करने के लिए। ठीक, ठीक? क्या चाहती हैं आप? मैं ऐसे चाहती हूँ, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। आप कह रहे हो हम 8 बजे बारात लेके आएंगे, लड़की को ले जाएंगे जी, मगर मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। अब मेरी ख्वाहिश ये है कि वो जितना हमारा खर्चा हुआ है वो वापस कर दे, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए इनसे। ठीक, ओके। हेलो अम्मा जी, आज आपकी शादी थी, दहेज रखा हुआ है। हाँ। क्या बात हुई, शादी भी नहीं हो रही, सब कुछ कैंसिल सा नजर आ रहा है? ये ऐसा हुआ कि लड़के वालों ने कहा हम सवेरे आएंगे 12:30 बजे जी, वो लोग नहीं आए। उन्होंने कहा कि हम फिर 2:30 बजे करीबन आएंगे, हम तब भी इंतज़ार करते रहे। फिर जो बिचौली थी उसको, वो गई वहाँ पे, आधे रास्ते तक आ गए थे वो पीली कोठी तक, उन्होंने कहा यहाँ तक आए। उन्होंने पूछा हड़तला कॉलोनी कहाँ है, किसी ने यूँ कह दिया कि हड़तला कॉलोनी में भातू रहते हैं जी। ठीक है, अब भातू रहते हैं तो ये तो कॉलोनी है, यहाँ तो हर प्रकार का आदमी रहेगा, भातू भी रहेंगे, हिंदू भी रहेंगे, हर बिरादरी रहेगी। आप कौन सी बिरादर? हम तो पंडित हैं। ठीक, बोलो, बताओ। हम तो उत्तराखंड के पंडित हैं। ठीक, बताइए। हाँ अम्मा जी, क्या क्या तैयारी कर रखी थी आप? सब तैयारी कर रखी थी, हमने जेवर भी बनवा रखा था और ये खाने पीने का पूरा रेजिमेंट था, नमकीन बिस्कुट सब चीज़ से तैयार थी, मिठाइयाँ उठाइयाँ भी ले आए थे, पूरी तैयारी के साथ थे हम। अब मेरे जो बहन बहनों ये बहुत गरीब हैं, उन्होंने कैसे कैसे करके जोड़ा, सब कुछ लूट गया हमारा, सब बर्बाद हो गया। अच्छा, लड़की कहाँ से थे, लड़की वाले कहाँ से आए? ये फरीदाबाद से आए थे, दिल्ली के पास जो फरीदाबाद। हाँ, हरियाणा में। तो अब कोई कार्रवाई आपकी तरफ से? कुछ कार्रवाई तो उन्होंने पुलिस में भी रिपोर्ट करी है, मीडिया वाले पहले भी आए थे, अब भी आए। हम तो बर्बाद हो गए चारों तरफ से। सुना आपने दहेज वगैरह भी इकट्ठा कर रखा था? हाँ, सब करा हुआ था। हाँ, जेवर भी बनवा रखा था, कपड़े भी ले आए थे लड़के के लिए, कहा था और भी देंगे। क्या चाहते हो? अब हम क्या चाहते हैं, हम तो उनको छोड़ना चाहते हैं, हमारी कल को लड़की को मार दिया तो हम तो कहीं लायक नहीं रहेंगे, हम शादी नहीं करेंगे। हम तो ये चाहते हैं जो हमारा खर्चा हो, हमारा खर्चा मिल जाए, जो हमारा वो गरीब आदमी है, मेहनत मजदूरी करते हैं, वो कैसे कैसे करके उन्होंने 1 रुपया करके जोड़ा। ऐसे मतलब इस कहने का मतलब ये है? हाँ? कि जो मतलब भातू कह दिया कि वहाँ भातू रहते, तो ये गलती तो उनकी है ना, उनको यहाँ पे आके पूछना चाहिए था मोहल्ले पड़ोस वालों से। नहीं, क्योंकि भातू इंसान नहीं होते, भातू इंसान नहीं होते। फिर दूसरी बात ये है, जब उनको ऐसा डर था कि मतलब ये भातू है, तो हमारे अड़ोस पड़ोसी से पूछते, सामने मंदिर था, उनसे पूछते पंडित जी से कि हम भातू हैं कौन है, ऐसा तो नहीं भागना चाहिए था उनको। रिश्ता तोड़ दिया। हाँ, रिश्ता तोड़ दिया, इसका मतलब ये है, इसका मतलब है कि फ्रॉड थे वो। क्या नाम है?
क्या नाम है दीवानी जी आपका? राकेश कुमार। राकेश जी क्या मामला था ये? 100 नंबर सूचना आई थी दहेज एक्ट की जी, मतलब बारात लेकर नहीं आ रहे हैं, दहेज की मांग कर रहे हैं, खाना वाना सब बन चुका है। जब हम लोगों ने वहाँ जाके देखा तो खाना वाना तो सब तैयार था वहाँ, लड़की भी तैयार थी, लेकिन लड़के वाले बारात वापस ले गए और बता रहे थे कि 2 लाख रुपये की मांग कर रहे हैं। अब कहाँ ले आए आप? थाना से मिलान ले आए। ठीक, तो लड़की मुरादाबाद की रहने वाली है? लड़की बता रही है हरियाणा के रहने वाले हैं, फरीदाबाद की। लड़का मुरादाबाद का है? लड़का काजीपुरा गांव पड़ता है, कॉस्मोस के सामने वहाँ के रहने वाले हैं, अमित नाम है लड़के का। तो लड़की क्या तहरीर दे रही है क्या? हाँ, वो अब देखो क्या कार्रवाई करते हैं लड़की वाले। ठीक, JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।